राम राम अम्मा। राम राम बेटा, कैसी हो तू? ठीक हूँ अम्मा। और रमा, कहाँ है तुम्हारी नई बहू? बहू जरा बाहर आना। नमस्ते बेटा, नाम क्या है तेरा? जी दीक्षा। रमा दीदी, मीटिंग में चलना नहीं है गांव की? अरे मैं क्या करूँगी, बस सिर्फ तो बहू का ही जमाना है, बहू ही चली जाएगी। ये तो और भी अच्छी बात है, हम भी देख लेंगे कि कितनी पढ़ी लिखी है तुम्हारी बहू। अरे बहू तो ही चली जाएंगे साथ मीटिंग। आ बेटा आ। हाँ बिरजू काका, तुम बोलो, क्या बोलने लग रहे थे तुम? मैं कह रहा प्रधान जी कि विकास की बात तो बाद में करेंगे, पहले स्कूल के बारे में तो सोचो, वहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ ना हो रही। अरे मेरी बिटिया भी वहीं पढ़ा है। अरे बिरजू काका, यो जो बैठक ही हो रही, यो स्कूल के बारे में ना हो रही, यो हो रही गाँव के विकास के बारे में। वो तो ठीक है प्रधान जी, पर स्कूल की शिकायत किससे करें? अरे उसकी जिम्मेदारी किसकी ठहरी? अरे बिरजू, स्कूल की तो बैठक होती है, वहाँ पे जाकर पूछ लिया करो। अरे काका तुम तो जानो, सरकारी स्कूल के बारे में तो बात करनी बेकार। माफ करना प्रधान जी, पर इनकी जिम्मेदारी हमारी है। आजकल हर एक स्कूल में SMC और SMDC जैसी समितियां हैं। हमारे स्कूल की कोई भी शिकायत है तो वो उस कमेटी के अंदर होनी चाहिए। भाई बेटी कौन है, पहचान नहीं मैंने इसे। अरे अपना रमेश नहीं है, उसकी नई नई बहू है ये। अच्छा रमेश की बहू, भाई बड़े पढ़ी लिखे दिखे तू, तुम जानो क्या स्थिति हो सरकारी स्कूल की? नहीं प्रधान जी, हम सरकारी स्कूल के बारे में गलत सोचते हैं। अगर हर कोई अभिभावक SMC और SMDC की मीटिंग अटेंड करे तो सरकारी स्कूल भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। अरे आजकल सरकारी स्कूल में गाँव के लोग SMC और SMDC की मदद के द्वारा फर्नीचर, स्कूल की किताबें और ना जाने कितनी कितनी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। यो SMC हमारे समझ में तो आती नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं। मैं बताती हूँ, सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जैसे कि खेल सामग्री, स्कूल ड्रेस, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, इन सब की जिम्मेदारी स्कूल के अलावा गाँव वालों की भी है, और इसीलिए SMC और SMDC समितियाँ बनाई हैं। और इन समितियों के मेम्बर गांव के लोग, बच्चों के अभिभावक और स्कूल के टीचर्स लोग होते हैं। अच्छा, ये तो हमने पहली बार ये बात सुनी। ओ प्रधान जी, तुम्हारे स्कूल का ठेकेदार हमसे काम कराया था, एक पैसा नहीं दिया, गरीब के पेट में लात मार दिया, अब गरीब नेपाल कैसे जाएगा? लो यो बहादुर की एक बात और आ ली है। अबे बहादुर एक बात बता, तेरा पैसा मारा है ठेकेदार ने तो तू स्कूल में जाके बात कर है? अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएगा, हम नेपाल कैसे जाएगा साहब जी? देख लिया प्रधान जी, अगर स्कूल की प्रबंध समिति ने इस पर ध्यान दिया होता तो इसका पैसा भी ना मरता और गांव के और लोग भी इस समिति में होंगे। पर आप लोग तो इसकी मीटिंग अटेंड ही नहीं करना चाहते क्योंकि आप तो इस पर विश्वास ही नहीं करते। बात तो बेटे आपने बहुत अच्छी कही, पर सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल ही हो। सरकारी स्कूल सरकार का नहीं, हमारा विद्यालय है, हम सबका विद्यालय है और हमें उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। अब आप मेरे मायके को ही देख लीजिए, हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और गांव के सब लोग SMC और SMDC की मीटिंग में भाग लेते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई है वहाँ पे। मेरे गांव में अच्छी लैब नहीं थी तो गांव के लोगों ने और सरकार ने सहयोग किया तो अच्छी लैब बन गई, और हमारे गांव के स्कूल के SMDC के अध्यक्ष ने हमारे स्कूल के पुराने छात्रों से भी मदद ली जो कि आज बहुत बड़ी पोस्ट पर है, और उनकी मदद से स्कूल को और अच्छा बना दिया, और मैं खुद उस सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। वो तो ठीक है बेटा कि तू सरकारी स्कूल से है, और सरकारी स्कूल इतने अच्छे है तो इस गांव में घास काटने क्यों आ गई? वो क्या कहें उसे भाई, वो डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना बन गई तू? माफ करना प्रधान जी, पर ये तो वक्त ही बताएगा। दैया रे दैया, इतनी बड़ी जुबान। प्रधान जी, हम अपनी जिम्मेदारी तो निभाते नहीं है और दोष स्कूल को देने लग जाते हैं। मैं कई सरकारी स्कूलों के उदाहरण दे सकती हूँ जो गाँव के लोगों की मदद से बहुत शानदार स्कूल बन गए हैं, जैसे कि गलजवाड़ी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जसो वाला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला, गिनती गांव की राजकीय प्राथमिक पाठशाला और राजकीय इंटर कॉलेज क्वीतड़ में ग्राम प्रधान व गांव वालों के सहयोग से सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गए हैं।
प्रधान जी आपकी कुर्सी गई, अब तो महिला प्रधान जी का जमाना दिखे। भा रमेश भाई समझा अपनी लुगाई नू, हैं? ये हमें ज्ञान बांटने लग रही। भाई रमेश की बहू के तेवर तो बहुत ही तिखे दिखे। हाय दया दया, देखा रमेश की बहू के हाल, कितनी बड़ी जुबान है उसकी। अरे बिट्टी सी है और जबान इतनी लंबी है। वही तो, पढ़ लिख के क्या पगला जाते हैं लोग। आ गई बहू। मैंने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू है, कहाँ पानी भरने आएगी। काकी कितना भी पढ़ लिख ले कोई, पानी तो सबको ही चाहिए ना। दीक्षा तुझे कितने बार समझाया, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। सब अनपढ़ जाहिल है यहाँ, कोई नहीं सुनेगा। अरे पर जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। सरकार हमें मुफ्त में क्या नहीं देती है। फ्री एजुकेशन है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री मिड डे मील है। अब जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो हमें तो फायदा उठाना चाहिए ना। बहुत जरा संभाल का बोलने का, सारा गांव नाराज है तुझसे। वो तो मुझे पता है माँ जी, पर जो भी मैं बोल रही हूँ वो गांव वालों की भलाई के लिए बोल रही हूँ। अरे यहाँ लोगों की यही सोच है कि सरकारी स्कूल से कुछ नहीं होता, जो होता है प्राइवेट स्कूल से ही होता है। पर ये सच भी है। नहीं ये सच नहीं है, मैं खुद सरकारी स्कूल से निकली हूँ। मुझे पता है सरकारी स्कूल के टीचर्स के पास हाई एजुकेशन होती है, हाई डिग्री होती है, बहुत ही टफ कंपटीशन को पार करके आते हैं वो। अरे पूरी दुनिया बोलती है सरकारी स्कूल के टीचर इतनी हाई सैलरी लेते हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर इतनी लो सैलरी लेने के बावजूद भी इतनी बेटर एजुकेशन देते हैं। ये भी सच नहीं है। सच ये है कि जो प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर, उनके होमवर्क पर, उनके टीचर्स के साथ हमेशा इंटरेक्ट कर अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहीं पे जो सरकारी स्कूल के बच्चों के माँ बाप हैं ना, वो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं और ना ही स्कूल की ऑनरशिप लेते हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैं भूल ही गई, मुझे घास लेने जाना था। देख रहा बिरजू, उस दिन ज्ञान बांट रही थी, ये जा रही है घास काटने। देख कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आखिर काटना तो इसको घास ही पड़ा। अब सारी उम्र घास काटेगी। दीक्षा दीक्षा, ये तेरी कोई चिट्ठी आई है, शायद गवर्नमेंट की है। ये लो इसे घर में संभाल के रख देना। क्या है ये? अरे वो मैंने मेडिकल टेस्ट का एग्जाम दिया था ना, तो मैं MBBS में पास हो गई। यो MBBS क्या मतलब? अरे मतलब डॉक्टर बनने लग रही। चलो तुम इसे लेके घर जाओ, मैं घास काटने जाती हूँ। अरे बेटा तू तो डॉक्टर बनने लग रही, फिर भी घास काटने जा रही। मैं डॉक्टर बन रही हूँ ये तो आपको पता है या मुझको पता है, पर मेरी भैंस को तो नहीं पता ना।